वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा बैनर डिजाइन जो आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से बैनर डिजाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा है और इमेज भी डाउनलोड कर ले हैं ताकि कम समय में बैनर डिजाइन तैयार किया जा सके। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आप सभी को बता देते हैं। जैसा कि मैं इस टेक्स्ट को जब सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अलग लेयर में शो कर रहा है। इसी प्रकार से अगला टेक्स्ट जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी अलग लेयर में है। मैंने क्यों इसको अलग टाइप किया है, क्योंकि जो नेम है उसकी साइज बड़ी रहेंगे तो मैंने इसको अलग टाइप कर लिया। इसी प्रकार से इसको अलग डिजाइन में रखेंगे, इस वजह से मैंने वो अलग लेयर में टाइप किया हुआ है। और ये जो सुविधाएं हैं इसको मैंने एक लेयर में टाइप किया हुआ है, वो एक ही सेटअप में रखेंगे। उसके बाद एड्रेस का भी मैंने अलग लेयर यहाँ पर बना लिया है। तो अगर आप इस तरीके से अलग अलग लेयर में टाइप करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सेट कर पाएंगे, अन्यथा एक ही लेयर में आप टाइप कर लेंगे तो सेटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके बाद जो अगली छोटी सी जानकारी है वो प्रॉपर्टी वाल से यहाँ से आपको मिल जाती है। इसमें सेलेक्ट है ऑटो सेलेक्ट। अगर ऑटो सेलेक्ट पर आप चेक रखते हैं तो ये कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टिक को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कुड नॉट यूज मूव टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड, मतलब कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है, इस वजह से सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो पहले आपको टेक्स्ट का लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए सेलेक्ट हो गया है। और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और वैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रॉपर्टी बार में ऑटो सेलेक्ट में यहाँ पर टिक जरूर रखें, इसको ऑन करके रखें। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें है शो ट्रांसफार्म का। अभी मैंने शो ट्रांसफार्म को ऑन रखा है तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्म शो कर रहा है। सिंपली आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप शो ट्रांसफार्म को ऑफ कर देंगे तो इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको कंट्रोल टी करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसफार्म शो करेगा। उससे अच्छा है कि आप ट्रांसफार्म को भी ऑन रखें। अब डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप सभी को बैनर की साइज़ भी दिखा देता हूं। तो इमेज में जाएंगे और यहां पर साइज़, और साइज़ में आप देख सकते हैं कि जो बैनर की साइज़ है 24x12 इंच है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, 24 की जगह मैं 36 कर देता हूं, यानी 3x1.5 फीट में मैं बैनर बना रहा हूं। छोटा बैनर इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट चलेगा। अब इसी में हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हम कॉस्मेटिक का सामान लगाएंगे, तो उसके लिए हम कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएंगे और यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं पॉलीगनल लासो टूल, और मैं यहां से एक क्लिक यहां करता हूं, उसके बाद एक यहां, उसके बाद इसको मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, न्यू लेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं न्यू लेयर पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे। तो कलर आप कंट्रोल और बैक स्पेस जैसे प्रेस करेंगे इसमें कलर फिल हो जाता है। जो कलर यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब मैं सिलेक्शन को डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल टी के साथ। अब इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट कैसे करेंगे, आल्ट की प्रेस करेंगे और माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए मैं राइट साइड में ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद इस लेयर पर आएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, और इस बार मैं ब्लेंड ऑप्शन जाता हूँ और इसमें मैं फिल करता हूँ ग्रेडियंट कलर। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट, और इसमें से जो भी कलर आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट करें। मैं फिलहाल इसी कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करेंगे, और फिर इस लेफ्ट वाले नोड को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस नोड को मैं यहाँ पर लाता हूँ, इसी प्रकार से इस नोड को यहाँ पर ले आते हैं। अब इसको मैं डाउन कर देता हूँ, यानी जो पहले वाला लेयर है उसके बैक में इसको कर देते हैं, यानी इस लेयर के नीचे इस लेयर को करेंगे। तो माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे और इस लेयर के नीचे मैं इसका कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोई कॉस्मेटिक का इमेज सेट कर देते हैं, तो कंट्रोल और टैब प्रेस करेंगे, तरीके से चेंज होता रहेगा। अब मैं इसके इमेज को वहाँ पर सेट कर देता हूँ। पहले कंट्रोल ए के साथ सेट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद मैटर पर जाएंगे और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लोड सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल की प्रेस करें और इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन लोड हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे और वी के साथ
पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पेस्ट हो गया। अब इसकी साइज हम बढ़ा लेते हैं, इसी में सेट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट साइड में एक फोटो सेट करेंगे, तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कस्टम शेप। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको खूब सारे शेप मिल जाते हैं, लेकिन इसमें और भी शेप आप ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से शेप मिल जाते हैं, जैसे कि एनिमल, एरो, आर्टिस्टिक, फ्रेम। लेकिन यहाँ पर मैं ऑल कर देता हूँ, यानी सभी शेप इंसर्ट हो जाएंगे। अपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी शेप आ चुके हैं। अब इसमें से जो भी शेप आपको अच्छा लगे उसको इंसर्ट करें। मैं इसमें से इस शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ, इसको पलट देता हूँ, यानी जो नीचे का साइड है वो ऊपर की साइड हो जाए। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसको इस तरीके से ऊपर की साइड ले जाएं और फिर इसको नीचे की साइड ड्रैग कर दें, तो भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इस पर राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से कर दें फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो भी आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें फोटो सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो आल्ट की प्रेस करें और सिंपली इसका डुप्लीकेट कर दें। अब इसमें हम ग्रेडियंट कलर फिल कर लेते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यानी इसी लेयर पर हम राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंड मोड जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं जो कलर आपको अच्छा लगे उसी कलर को सेलेक्ट करें। फिलहाल मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बैक भी करेंगे, तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और बड़ा ब्रैकेट ओपन प्रेस करेंगे, तो ये बैक में हो जाता है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाता हूँ। अब मैं इसको राइट साइड में कर लेता हूँ। अब इसमें हम एक फ़ोटो सेट कर लेते हैं, तो फोटो में यहाँ पर इस फोटो को सेट करता हूँ, तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद मैटर पर जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल और इससे सिलेक्शन करते हैं इसका, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट पी के साथ पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको इसी में सेट कर लेता हूँ। अब इस इमेज को सेट करने के बाद मैटर को भी मैं सेट कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और मैं बढ़ा देता हूँ, केवल महिलाओं के लिए इसको मैं एक शेप में सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ से कस्टम शेप प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर कोई भी जो आपको अच्छा लगे शेप उसको सेट कर लें। ये अभी जो थंबनेल है इसका छोटा छोटा दिख रहा है, इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी स्मॉल थंबनेल है और इसको मैं कर देता हूँ लार्ज। अब यहाँ से सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, इस शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर जो है इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन और टेक्स्ट का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ वाइट। और इस मैटर को यहाँ पर रख लेंगे और पत्ता जो है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसके लिए भी एक शेप ड्रॉ करते हैं, और इस बार इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ रेड। और यहाँ पर जो जगह बच रहा है इससे रिलेटेड मैं फ़ोटो सेट कर लेता हूँ, जैसे कि मेकअप, हेयर कटिंग, फेशियल, मेहंदी, इन सभी की फ़ोटो लगा देते हैं। तो उसके लिए एक शेप ड्रॉ करेंगे, तो वही कस्टम शेप और फिर यहाँ से जो भी शेप आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसी में हम फोटो सेट करेंगे। तो फोटो सेट करने का सेम तरीका है जैसे इसमें सेट किए हैं और फिर यहाँ पर सेट किए हैं, उसी प्रकार से इसको भी सेट करेंगे। तो पहले मैं मैजिक टूल से इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ, पहले इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और फिर मैजिक टूल से इसका हम सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी इमेज सेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसी इमेज को सेट कर लेता हूँ, तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद मैटर पर आएंगे और यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल अल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसकी साइज छोटी बड़ी करना चाहें तो कर लें, नहीं फिलहाल कोई आवश्यक नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट सेट कर लेते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंड मोड, उसके बाद इस बार मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इनर शेडो और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ओपासिटी भी बढ़ा लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट इसका आ जाता है। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब इसी प्रकार से अगले रेक्टेंगल को सेट करेंगे मैजिक वन टूल का यूज करके और फिर इमेज पे जाएंगे, इस इमेज को सेट कर लेते हैं, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, मैटर पर आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट वी के साथ पेस्ट। इसी प्रकार से इन सभी में फोटो में सेट कर लेता हूँ।
फोटो सेट करने के बाद इसी स्टाइल को इन सभी फोटो में हम सेट कर देते हैं। तो इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी स्टाइल, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट लेयर स्टाइल, इसी प्रकार से इसको भी सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल। अब इसके बैक में कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सेट कर लें, तो अगर नेट से डाउनलोड किए हैं तो उसको सेट करें, अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो फिलहाल यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर सेट कर सकते हैं। पहले मैं इस बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंड मोड, और यहाँ से जो भी आपको ग्रेडियंट कलर हो या पैटर्न कलर हो अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छा सा कलर सेट कर लेता हूँ जो नेचुरल लगे, तो यहाँ पर मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ से इसका एंगल चेंज कर देते हैं, इसका एंगल मैं इस तरीके से कर देता हूँ, और ये जो येलो का कलर है इसको थोड़ा सा और डाउन करेंगे। अब नेम का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड। उसके बाद इस डिज़ाइन में भी ड्रॉप शैडो लगा देते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंड मोड, और फिर यहाँ पर शैडो लगा देते हैं, और शैडो की स्पीड मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ओपेसिटी भी बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से एक आसान सा बैनर डिज़ाइन कर लिए हैं। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।